बाल झड़ रहे हैं, डेंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़ बेहड़ा, आंवला, शीकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू साथ साथ और तेल 9x9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। जैसा आपको बोला और बोल रहे हैं कि यह सर्वधर्म संगम है, क्यों है सर्वधर्म? 23 साल के थे जब गुरुजी ने हमें बुलाया, घर में भी सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ थे, लेकिन जैसे गुरुजी ने बुलाया तो बोला आप सभी धर्मों को पढ़ो। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, हालांकि ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन बीच में से गुरुजी ने बुलाया तो आए। और हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, उसको भी पढ़ा, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भगत, रविदास, बौद्धिस, जैनिस, धर्मों के पवित्र ग्रंथ जो जो भी आते गए, पढ़ते गए और पढ़ते जा रहे हैं। सदगुरु जी ने वचन किए तो हमने जो निचोड़ निकाला, एक ओपन माइंड से, नैरो माइंडेड हो जाता है कोई वो बात अलग है, लेकिन धर्मों में तो लिखा है कि आप ओपन माइंड ही रहिए, तो उसमें जो निचोड़ निकला वो यही है कि सारे धर्म 99.9% एक ही बात कहते हैं। एक आध बात हो सकता है किसी में इधर उधर हो, वरना सारे एक ही बात कहते हैं। धर्म शब्द का मतलब धारण कर लो, ग्रहण कर लो, जोड़ो तोड़ो नहीं। हर धर्म में एक ही बात है, धर्मों में सभी धर्मों का सत्कार है, कहीं धर्मों में बुराई करने का, निंदा करने का, चुगली करने का, किसी को गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि धर्म कहते हैं आप किसी को बुरा कहने जा रहे हो, पहले खुद के गिरेबां में देखो क्या आपने खुद बुराइयां नहीं की। आप अपनी निगाह से, अपने ख्यालों से, अपने कर्मों से, विचारों से क्या बुरे कर्म नहीं करते? अगर आप खुद बुराइयां करते हैं तो दूसरे को बुरा कहने के अधिकारी बिल्कुल नहीं है। पहले अपने अंदर की बुराइयां साफ करो, घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। घर यानी शरीर से बुराइयां हटा दे, बुरे पाप कर्म हटा दे, ताकि वो मालिक परमात्मा ईश्वर अल्लाह राम तेरे अंदर से प्रकट हो जाए। नाम किसे कहते हैं? जैसे किसी को भी भाई नेम बुलाओ तो वो बोलेगा। यहां जितने आप लोग आए हैं, आपको इंसान इंसान, आदमी आदमी कहते रहे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आपका नाम लेके अगर आपको बुलाया जाए तो आप तुरंत खड़े हो जाएंगे। चाहे उस नाम के कुछ और लोग भी हों तो वो खड़े होंगे कि मुझे बुलाया है। तो भाई इसी तरह उस सुप्रीम पावर जिसे हिंदू धर्म में ओंकार, वो ओंकार जिसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महादेव को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, वो परमात्मा अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल यानी सबसे पहले, अल्लाह वाहिगुरु गॉड, गुरुजी लिख रहे हैं ये बात, ध्यान से सुनिए। उन्होंने सभी धर्मों का सत्कार ही नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों की पवित्र वाणी को अपनी वाणी में दर्ज किया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, यहां अल्लाह की जगह वाहिगुरु नहीं लिखा, ध्यान देने वाली बात है। क्या सोच होती है जो मालिक के अवतार होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं, कि सबसे पहले मालिक ने अपने आप को नूरे जलाल रोशनी के रूप में पैदा किया। वही यहां पे ओंकार कह रहे हैं, और यही बात इस्लाम धर्म में आती, अल्लाह का नूर जलाल, और यही बात इंग्लिश फकीर कहते हैं सुप्रीम पावर, द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, लाइट एंड साउंड। बोली अलग है, मतलब एक ही है,
तो वो सुप्रीम पावर जिसने सबसे पहले अपने आप को रोशनी और आवाज के रूप में प्रकट किया, उसी का नाम, उसी का नेम, यहां पे नाम गुरु मंत्र कलमा या मैथ्रो मेडिटेशन के रूप में बोला जाएगा। तो वो मालिक, वो परमात्मा को मिलने का अवसर है, सुअवसर, मौका है। 84 लाख जोनियां बताई हैं हमारे धर्मों में, उन सब जोनियों में सर्वश्रेष्ठ जोनी मनुष्य की है। हालांकि मनुष्य कर्म ऐसे कोई नहीं कर रहा जो अलग से हो, बिल्कुल वैसे ही कर्म करता है जैसे बाकी पशु परिंदे करते हैं। पशुओं को देख लीजिए, खाते हैं, पीते हैं, बाल बच्चे पैदा होते हैं, जगह रहने की बनाते हैं, घोंसला वगैरह पक्षी बनाते हैं। तो इस तरह आदमी भी वैसे ही करता है, बल्कि पशुओं के जीते जी मलमूत्र खाद गोबर के काम आता है। गोबर जो है, मलमूत्र है, वो खाद के काम आता है, और मरणोपरांत हड्डियां चमड़ा सब काम में ले लिया जाता है। जबकि आदमी का मलमूत्र संभालने में सारी सरकारें लगी हुई हैं, कैसे संभालें, इतनी गंदगी है, और मरणोपरांत हड्डियों तक पे टैक्स लग जाता है। कहीं भी संभालनी पड़े वहां झगड़ा हो जाता, वो कहता ये मेरा आदमी, वो कहता मेरा, समझदार को इशारा काफी है। तो इस लिहाज से देखें तो पशु बेहतर है, पर कई सज्जन कहते हैं इंसान तो बुद्धिजीवी है, इंसान विज्ञान में तरक्की कर रहा है, सुख सुविधा के साधन बन गए, जानवरों ने ऐसा क्या किया है? वाकई जानवरों में विज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं, ना वो जानते हैं। इंसान ने विज्ञान में बहुत अच्छा किया है, लेकिन बुरा भी कोई कम नहीं किया है। आज अगर सारी दुनिया ये कहीं बारूद के ढेर पे बैठी है तो गलत नहीं, एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, अणु, पता नहीं क्या क्या विनाशकारी ताकतें बनती जा रही हैं, तो ये भी इंसान की बनाई हुई है। पशु से किसी को इतना डर नहीं जितना आज इंसान को इंसान से है। तो भाई, इंसान को फिर सर्वश्रेष्ठ सरदार जून, अति उत्तम, सर्वोत्तम, खुद मुख्तियार जून धर्मों में क्यों लिखे हैं ये नाम? इसकी वजह है इंसान परमात्मा का, ईश्वर का नाम लेके ईश्वर को स्मृति लोक में देख सकता है, आवागमन से अपने आप को आजाद कर सकता है, और परमानंद अमृत अबो हयात को चख सकता है, जबकि बाकी जोनियां ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया। अब मनुष्य का मन जालिम, बड़ा ही जालिम है, आदमी को चैन नहीं लेने देता, बेचैन रखता है। बाहर से जो आपको शांत नजर आते हैं, अंदर पता नहीं कैसे कैसे तूफान चल रहे हैं। इन तूफानों के लगाम तभी डलेगा अगर राम के नाम का जाप होगा। कोई दवाई नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको खाने से अंदर की बेचैनियां दूर हो जाएं। अंदर की बेचैनियां तो राम का नाम, अल्लाह, वाहिगुरु की भक्ति, इबादत से दूर होंगी। आप कितने भी बेचैन हैं, कितने भी परेशान हैं, उसका एकमात्र उपाय सुमरन, भक्ति, इबादत। भक्ति करो, चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, बुरी बातें करनी हो, लोग चटकारे ले लेके करते हैं, उछल उछल के बातें करते हैं, लेकिन जब राम नाम सुनना पड़े तो मुंह फाड़ फाड़ के जंबाई लेते हैं, नींद आने लगती है, रुचि नहीं, ध्यान नहीं जमता, इधर उधर देखो ध्यान जमता रहता है, ओम हरि ईश्वर मालिक की याद में ध्यान नहीं जमता, सुमरन पे नहीं बैठता, बैठता है तो खाज खुजली में टाइम बर्बाद कर देता है, इधर उधर देखा देखी में टाइम बर्बाद कर देता है, जंबाई लेने में टाइम बर्बाद कर देता है, नींद आने लगती है, क्योंकि अलूणी सिल जिसमें नमक मिर्च नहीं है वो बकबका सा समान लगता है राम नाम। गप मारने हो, झूठ बोलने हो, सुनने हो, चुगली, निंदा, क्योंकि उसमें सारा मिर्च मसाला ही होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है, आदमी बड़ा ध्यान से सुनता है। सवाल है जंबाई आ जाए, सवाल है खाज खुजली हो जाए, पूरी एकाग्रता से सुनता है, यानी एक शब्द भी कान में ना पड़ा तो बर्बाद हो जाएंगे, जबकि होता उल्टा, जितने शब्द कान में पड़ रहे हैं वो बर्बाद कर रहे हैं, चुगली, निंदा, बुराई के,
और राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर के जितने शब्द कान में पड़ जाएं उसका भला ही भला है, आपका ही नहीं, परिवार का ही नहीं, कुलों का भी उद्धार हो सकता है। संसार के जीव, दुनिया के जीव इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें आत्मिक शांति मिले। बहुत सारे विदेशी मिलते हैं, दुनिया के लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, वो कहते हैं गुरुजी हमें तो अंदर की शांति चाहिए, आत्मिक शांति चाहिए, परमानंद चाहिए। कैसे मिलेगा? लज्जत कैसे आएगी? अंदर की खुशियां कैसे मिलेंगी? हम उन्हें कहते हैं भाई अंदर की खुशियां अंदर ही हैं, उसको पाने के लिए अभ्यास करना है। जैसे अगर घी ढूंढते फिरो कि कहीं और मिलेगा, कहीं बाहर से मिलेगा, तो नहीं, वो दूध के अंदर है, पानी धरती के अंदर समाया है। जैसे सरसों तिलों के दानों में तेल समाया है, उसी तरह राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब सबके अंदर समाया हुआ है और उसी से परमानंद है, उसी से परम शांति मिलती है। लोग सोचते हैं पैसे से मिलेगा, लोग सोचते हैं इज्जत शोहरत से मिलेगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो परमानंद मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मिक शांति को पैसे से या बड़ा बन जाने से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मिक शांति उसे मिलती है जो आत्मिक चिंतन करते हैं, और आत्मिक चिंतन प्रभु के नाम के बिना हो नहीं सकता। अब तो साइंस भी यह मान गई है, विज्ञान ने भी ये मान लिया है कि अगर आप आत्मिक शांति चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं, तो आप अपने अंदर के ख्यालों को एक शब्द के साथ जोड़ो। एक शब्द जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर, ऐसे शब्द से जोड़ो और उसका अभ्यास करो तो आपके अंदर आत्मिक शांति बढ़ेगी, आत्मिक चिंतन बढ़ेगा। तो भाई साइंस मान चुकी है, धर्मों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है, अगर आप भी आत्मिक शांति चाहते हैं, घर में सुख शांति, बीमारियों से परेशान उससे निजात आजादी चाहते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बुलंद करो। आत्मविश्वास जब तक बढ़ेगा नहीं, आप गम चिंता टेंशन परेशानियों से आजाद नहीं हो सकते। तो आत्मिक चिंतन, आत्मिक चिंतन करो, सुमरण करो, भक्ति इबादत करो, भला करो, अपने हाथों से करो। जिसका भी भला करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, अपने हाथों से दीन दुखियों की मदद करो। अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करवाओ। अंगहीन अपंग लाचार तड़फ रहा है, खाने का इंतजाम करो। पशु पक्षी कोई भूखा प्यासा है, उसका खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए। अपने हाथों से प्रभु की सृष्टि की सेवा में लगाया गया धन सच्चा दान है, और बदले में आत्मिक शांति आनंद ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। बाकी आप किसी और जगह पैसा चढ़ा देते हैं तो भाई उसका क्या फल मिलने वाला है? हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे उठा के खा जाते हैं। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। सच्ची बात, कड़वी बहुत लगती है। हमने सारे धर्मों का पूरा अध्ययन किया, कहीं मिल जाए कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु पैसा लेता है, लड्डू लेता है, पेड़े लेता है। हमें रूहानियत की पवित्र वाणी में किधर भी एक शब्द नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि मालिक पैसा लेता है। ये लिखा है कि वो तो देता है, और इतना देता है कि वो देता हुआ बंद नहीं होता और आदमी लेता लेता थक जाता है, हार जाता है। हिंदू धर्म में लिखा है प्रभु से प्रभु को मांगो, उसकी सृष्टि का भला मांगो, वो दया का सागर, वो कृपा निधान, इतनी कृपा इतनी दया रहमत बरसाएगा
कि आप लेते लेते उब जाएंगे लेकिन वो देते हुए रुकेगा नहीं। यही सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देव है। इस्लाम धर्म में भी यही लिखा है, अल्लाह रहमो करम का मालिक है, वो रहमो करम मूसलाधार बरसाता है। आदमी के दामन छोटे पड़ जाते हैं पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। ईसाई धर्म में भी लिखा है, गॉड देता है लेता नहीं। तो भाई वो मालिक तो सबको देने वाला है, वो दया का सागर है, रहमत का दाता है। अगर वास्तव में हम उसे पाना चाहते हैं तो उसकी भक्ति भावना से करो, तड़फ से करो, व्याकुलता से करो, दिखावा या पाखंड या ढोंग से उसको पाया नहीं जा सकता। शुद्ध भावना हो तड़फ के आप उस मालिक को बुलाएं, मालिक की भक्ति करें, इबादत करें। जैसे आप अपने एक बेटे के लिए तड़फते हैं, आपके औलाद नहीं औलाद के लिए तड़फते हैं, घर में रोटी नहीं रोटी के लिए तड़फते हैं, ऐसी व्याकुलता अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए बना लो, ये हो नहीं सकता कि मालिक आपको ना मिले। लेकिन इस कलयुग में श्रद्धा का दूसरा नाम पैसा है। हमने सभी धार्मिक जगहों पे जा जाके देखा, पता क्या कहते हैं, तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जा सकती, वो तो जाहिर की जा सकती है, भावना कोई चढ़ाने की चीज थोड़ा ही ना है, वो तो अंदर प्रकट होती है। आदमी उससे व्याकुल होता है, तड़फता है, आंखों से बैरागे की झड़ी लगती है कि हे मेरे मालिक तुझे मुझे दर्शन दे, तू मुझे दीदार दे। लेकिन बाद में पता चलता हर कोई कहता श्रद्धा है चढ़ा दे, मतलब जितने पैसे देना चाहता दे दे, पैसों को ही श्रद्धा समझ लिया है इस कलयुग में इंसान ने। ना भाई ना, भगवान किसी के पैसे का भूखा नहीं है। सोचने वाली बात है, जो भगवान मनुष्य शरीर को बना सकता है, क्या वो मनुष्य द्वारा बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए, विचार कीजिए। मनुष्य को बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी 15-20% पढ़ पाए हैं, ह्यूमन बॉडी को कोई पूरा नहीं पढ़ पाया, रिसर्च जारी है। तो जिस भगवान ने इतना पेचीदा यह शरीर बनाया, क्या वो इंसान के बनाए रुपए को बना नहीं सकता? लेकिन आज आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी और पाने की चाह ने आदमी को बर्बाद कर रखा है। सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन और पाने की चाह बर्बाद कर देती है। मुझे और मिले, मुझे ये नहीं, मुझे वो मिले, मुझे फलां मिले, मुझे ये क्यों नहीं। यानी हर चीज कहता है पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में हो, असंभव, ऐसा हो नहीं सकता, और आदमी शांत हो नहीं सकता। हमने देखा है भगवान मिल जाए, उसके नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाएं, तो चाहे आदमी चुप हो जाए। अदरवाइज कितने चमत्कार देख ले, कितने नज़ारे देख ले, कितने लोगों के चमत्कार सुन ले, आदमी का मन तब तक नहीं मानता जब तक खुद को नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं होते। और दर्शन जम्भाई लेने से तो होते नहीं, खाज खुजली करने से तो होते नहीं। बैठे बैठे हम देख रहे हैं कई सत्संगी भाई मुंह खोल खोल जम्भाई ले रहे हैं, देखो है ना हैरानी की बात। हम इधर से सुना रहे हैं, वो अपने काम पे लगे हुए, दाड़ दाड़, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सुनाने का, ऐसा लग रहा है किसी पड़ोसी को सुना रहे हो जम्भाई लेके, बल्कि देखते भी हैं। अच्छा मुझे कह रहे थे क्या गुरु जी, आ रही है मैं क्या करूँ। तो हम ये नहीं कहते कि आप ना लें, आती है तो लेते रहें, हमारा उसमें क्या है भाई। लेकिन हमारा कहने का मतलब, कभी चुगली निंदा करते हो, कभी फिल्म देखते हो, गीत गाते हो, फिर कभी आती है? नहीं आती, हमने तो देखा नहीं लोगों को चुगली निंदा करते, सुना है इतने जबरदस्त तरीके से करते, उनको फुर्सत ही नहीं होती कि जम्भाई आए। तो भाई राम का नाम सुनने आए हो, ध्यान से सुनो, मालिक की भक्ति इबादत के बारे में सुनो, ताकि तमाम खुशियां आपकी झोली में आ जाएं, आप मालिक की दया में रहमत से माला माल हो जाएं। ऐसा कुछ कीजिए, ये संभव है अगर अमल करो।
आपकी सेवा में अर्ज करते जाएंगे जो अनुभव है, जो संत पीर फकीरों के वचन हैं। लेकिन फायदा तो तभी है ना जब मानोगे। आपके सामने टॉनिक रख दें, बादाम घी दूध मक्खन सब कुछ रख दें, जब तक खाओगे नहीं ताकत नहीं आएगी। सिर्फ उसको धोक मारते रहो, माथा टेकते रहो, क्या आपके अंदर शक्ति आएगी? कभी नहीं आती। तो इसी तरह राम का नाम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर का नाम है, आप ले लेते हैं और जब तक उसका जाप नहीं करेंगे आनंद परमानंद कहां से मिलेगा, आत्मिक संतुष्टि कहां से आएगी? इसलिए नाम को लो और उसका जाप करो, अभ्यास करो। आप कहते हैं हां जी मैं तो नाम लेके अभ्यास करता हूं, मुझे तो 2 महीने हो गए, 10 साल हो गए। नहीं नहीं, आप रोज अगर आधा घंटा जाप करते हैं तो सोचिए, दिन में 1 घंटा जाप किया और दिन होता है 12 घंटे का, कितने दिनों में 1 दिन बनेगा यार, अंदाजा लगाइए। और आप ऐसी कह देते मैंने तो 1 दिन सुमन किया, 1 दिन नहीं सीधा कहो 15 मिनट किया, आधा घंटा किया, दिन ऐसे जोड़ देते हो, गप मारते रहते हो। दिन करने में बहुत टाइम लगता है, कई तो 1 दिन के लिए महीना भी लगा देते होंगे, कई 2 महीनों तक पहुंच जाते होंगे। तो आप टाइम देखो, ये ना कहो इतने दिन हो गए, कितना टाइम हुआ है आपको सुमरण करते हुए, भक्ति इबादत करते हुए। तो समय निकालो, समय निकाल के आप सुमरण करेंगे तो आपका आने वाला समय जरूर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जैसे कर्म जीव करता है वैसे ही आने वाले जीव में भोगता भी है। आज जैसा भोगे आने वाले समय में वैसा ही काटोगे। आज अगर बबुल का पेड़ बोते हो तो आगे आम नहीं आने वाले, और आम का पेड़ बोते हो तो आम आएंगे जरूर। इसलिए भाई संतों के वचन सुनो और उस पे अमल करना सीखो। वचन सुन के जो अमल करते हैं खुशियां तमाम उन्हें ही मिला करती हैं। खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा है अगला किसने देखा है। आज यह चर्चा आम है, और खाने पीने में नशों का सेवन लोग करते हैं, मांस अंडा बेहतर समझते हैं, जो कि हमारे धर्मों में जड़ से ही मना है। सारे नशों को हिंदू धर्म में नरकों की नानी या नरकों के घर बताया है। सिख धर्म में पोस्त पंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये सारे नशे गंदगी भरे, सुबह का शाम शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में उसकी नशा खुमारी नहीं उतरेगी। इस्लाम धर्म में भी लिखा है कि जो नशे हैं ये तो शैतान का घर है, तो नशे नहीं करने चाहिए, बर्बादी का घर है ये सब। तंबाकू का नशा इतना भयानक है कि इससे मरने वालों की संख्या अपने देश में, आपको बताते हैं आंकड़े हैं, अपने देश में जो लिखा हुआ है कि 20 वर्ष से कम आयु में तंबाकू सेवन करने वालों की उम्र टाइम पीरियड जो है वो 20 साल लगभग कम हो जाता है। और हमारे देश में जो बताया कि 5.5 सेकंड में एक मौत हो जाती है, आप इसका हिसाब लगाइए, प्रति 5.5 सेकंड में ये दुनिया में है एक मौत हो जाती है, जबकि भारत में 1 मिनट में 2 मौत हो जाती है। इतना बुरा हाल है इन तंबाकू से बनने वाले नशों का। इसमें बहुत सारे ड्रग्स बनते हैं, हीरोइन में एक भांग, कई चीज़ें हैं, अफीम है, दवाइयों में भी डलती है, लेकिन लोग उसको भी नशे के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये बड़े ही गंदे नशे हैं, और इनसे जो बीमारियां होती हैं तंबाकू के सेवन से, और इससे जो नशे बनते हैं जैसे मार्फिन है, हेरोइन है, अफीम है, तंबाकू है, तो ये आप गिन लीजिए कितने, होठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, दिल का दौरा पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, ब्लड प्रेशर होना, खून की नाड़ियों में रुकावट,
फेफड़ों का कैंसर, श्वास के रोग, टीवी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले रोगों में श्वास का रोग, दमा, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना, शरीर में डीएनए का नष्ट होना जिसके कारण गर्भपात होना। तो ये इतनी बीमारियां सिर्फ तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले नशों के सेवन से इंसान को होती हैं।